लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। मुम्बरा में ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी सागर सालुंके और धनंजय गोसावी ने कल तनवर नगर और कौसा अंबाजी मेडिकल के पास कार्रवाई की है। इस दौरान मनपा ने कई ठेला गाड़ी जब्त किए और कई ठेला गाड़ियों पर हथौड़ा भी चला दिया है। हॉकर्स पर कार्रवाई का कोई ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के कार्रवाई मुम्बरा कौसा में हमेशा होती है, जिसमें हॉकर्स का काफी नुकसान भी होता है। कल कार्रवाई के दौरान एक हॉकर्स ने कार्रवाई करने वाली मनपा की टीम के एक कर्मचारी के साथ झगड़ा कर लिया और झगड़े के दौरान मनपा कर्मचारी का गला पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि उस युवक ने चाकू भी निकाला था, जिसकी शिकायत मनपा के अधिकारियों ने मुम्बरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। वहीं शक के आधार पर मनपा के अधिकारियों ने एक युवक को पकड़ा और उसे पुलिस स्टेशन भी लेकर गई। कैसी रही मनपा की कार्रवाई और इस दौरान हॉकर्स ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अरे रोज का नाटक है, रोज धंधा लगाने नहीं देते लोग यार। आप लोगों को धंधा लगाने नहीं देते और जबकि ट्रैफिक अरे अंदर है, लेकिन ट्रैफिक का क्या, वहाँ पे पब्लिक भी आती है, ट्रैफिक के ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। किधर किधर है यार, गाड़ी यहाँ खड़ी है, सब खड़ा है इधर। देखो देखिए, ऐसी कार्रवाई गुंडागिरी है, गुंडागिरी रोज की हो गई। कार्रवाई अगर करनी है तो पहले इन्फॉर्मेशन करना जरूरी है। अचानक आके कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, गुंडागिरी है। लेकिन मेरा 25,000 का काउंटर तोड़ कैसे दिया? ये टोटल गुंडागिरी है, ये गुंडागिरी को रोकना चाहिए। ऐसा 4-5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन करने का, किसी अगर रहेगा तो अनऑथराइज। अरे खोला भी नहीं था मैंने, फिर अभी ये लोग को परमिशन किसने दिया था खोलने के लिए, और अचानक आके तोड़ के जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये गुंडागिरी आज चलने की नहीं है, ये मुम्बरा में रुकना चाहिए। किसी को भी लेना, मैं शफीक दलवी बोल रहा हूँ, गोसावी साहब को भी बोल के रख दो, ऐसा चलेगा नहीं। किसी अभी 2 दिन के बाद फिर से होने वाला है और तुम लोग आके परेशान कर रहे हैं हम लोग को। गोसाई साहब ने यह सोचना चाहिए कि भाई ऐसा गुंडागिरी करना नहीं चाहिए, कभी भी आके कभी भी तोड़ देते। ये अगर तोड़ना है पहले इन्फॉर्मेशन करो, आदमी लोगों से पता चले, फिर आदमी लोग नहीं रखेंगे उधर। अभी ये कितना 25,000 का तो ऐसा ही नुकसान हो चुका है इन लोग का। अभी कर्जा लेके हम लोगों ने ये एक तो लॉकडाउन ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे अभी रास्ता रुंधीकरण हो गया है, तो एक आई के लिए गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी का भी पार्किंग निकालो। फिर जो काम करने वाला वो लोग को डिस्टर्ब होता है, ये गाड़ी का भी पार्किंग आप जब तक अभी जाता नहीं ना तब तक ये ऐसे ही बैठते रहेंगे। गोसाई साहब को बोलो अभी, ये ऐसा गुंडागिरी नहीं चलेगा। इधर आओ, ये देखो माल पूरा ऐसे पड़ा हुआ, पूरा फेंक दिया, देखो पूरा ऐसे माल फेंक के गया, पूरा तोड़ डाला है लोगों ने।